हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे कोलेजन सप्लीमेंट ब्रांड्स के बारे में बताऊंगी जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट हैं। अगर आप वेगन कोलेजन बिल्डर के अच्छे ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट के टाइप्स और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कोलेजन सप्लीमेंट पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ओपिनियन में फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर मोरेपन का मरीन हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन सप्लीमेंट है, जिसमें कोलेजन पेप्टाइड के अलावा हेल्यूरोनिक एसिड और विटामिन सी भी अवेलेबल है। स्टीविया का इस्तेमाल एज अ स्वीटनिंग एजेंट किया गया है। ये चॉकलेट फ्लेवर में है। ये ग्लूटन सेंसिटिव पेशेंट के लिए भी सेफ है क्योंकि ये ग्लूटन फ्री है और इसमें शुगर को भी ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट में भी सेफ है। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। दूसरे नंबर पर स्पोर्ट्स रिसर्च का मरीन कोलेजन पेप्टाइड है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसके 10 ग्राम में करीब 10 ग्राम हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलेजन पेप्टाइड दिया गया है। इसके भी ऑनलाइन रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। ये अनफ्लेवर्ड है। मेरे ओपिनियन में थर्ड पोजीशन पर बी बेटर ब्रांड का प्योर हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलेजन पाउडर है। इसमें बेसिकली ग्लाइसिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये तीन अमीनो एसिड मेन हैं। इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं। इसके 100 ग्राम के एक पैकेट में 10-10 ग्राम के टोटल 10 सैशे हैं। 10 ग्राम के एक सैशे में करीब 5 ग्राम कोलेजन पेप्टाइड है। इसमें डेक्सट्रोज और एस्पार्टम का यूज़ एज अ स्वीटनिंग एजेंट किया गया है। डेक्सट्रोज की वजह से डायबिटिक पेशेंट को इसे अवॉइड करना चाहिए। अधिकतर कोलेजन पेप्टाइड के साथ पानी में घोलने और टेस्ट को लेकर थोड़े इशू होते हैं जो काफ़ी सब्जेक्टिव हैं। मेरे हिसाब से फोर्थ नंबर पर हेल्दी हे कंपनी का हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन है। हेल्दी हे कंपनी के हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलेजन में एक सर्विंग साइज 5 ग्राम का है, जिसमें लगभग 5 ग्राम कोलेजन के अलावा 20 मिलीग्राम विटामिन सी, 42.5 मिलीग्राम हेल्यूरोनिक एसिड, 15 माइक्रोग्राम बायोटिन और 4.2 मिलीग्राम जिंक है। इसके ऑनलाइन रिव्यू भी ठीक हैं। कुछ लोगों को इसके पानी में घुलने और टेस्ट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, जो कि ज़्यादातर कोलेजन सप्लीमेंट के साथ मेन प्रॉब्लम देखी गई है। नियोसेल के सुपर कोलेजन प्लस सी को मैंने फिफ्थ नंबर पर रखा है। हालांकि इसके ऑनलाइन रिव्यू ठीक हैं, पर ये बोवाइन कोलेजन सप्लीमेंट है। इसमें करीब 120 टैबलेट आती हैं और पर सर्विंग 6 टैबलेट है। एक सर्विंग से करीब 6 मिलीग्राम हाइड्रोलाइज्ड बोवाइन कोलेजन मिलता है और इसमें करीब 60 मिलीग्राम विटामिन सी भी है। अगर आप भी इसमें से कोई कोलेजन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो अपने रिव्यू को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। इससे बाकी लोगों को कौन सा खरीदना है इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पर मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।